राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 39 दिन बाद शुक्रवार की शाम को 6:55 पर तिहाड़ जेल से बाहर आए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है। रिहाई के बाद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं से कहा, आपसे निवेदन है कि हमें सबको मिलकर देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूँ, तानाशाही के खिलाफ संघर्ष कर रहा हूँ। आज आपके बीच आके अच्छा लग रहा है। कल सुबह 11 कराट पैलेस हनुमान जी के मंदिर में मिलेंगे, हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे। 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में 1 अप्रैल से न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में थे। इससे पहले 11 दिन वे ईडी की हिरासत में रहे। अदालत ने आज दोपहर 2 बजे 1 लाइन में फैसला सुनाया। हालांकि उनके वकील ने 5 जून तक की रिहाई का अनुरोध किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया 1 जून को खत्म हो जाएगी। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।